नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय हो गया है। बीजेपी और संघ के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी, उस पर भी सहमति बन गई है। विधानसभा चुनाव पास आते ही योगी कैबिनेट विस्तार की खबरें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। जल्द ही योगी कैबिनेट का तीसरी बार विस्तार होने जा रहा है। खबर के मुताबिक बीजेपी की तरफ से मंत्रियों के नाम भी तय कर लिए हैं। फिलहाल सिर्फ केंद्र नेतृत्व की मुहर का इंतजार है। आलाकमान से हरी झंडी के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोनों नेता आलाकमान के साथ यूपी के नए मंत्रियों के नाम पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा परिषद के लिए नियमित होने वाले MLLC के नामों पर भी मंथन किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी जातीय समीकरणों को साधने की जुगत में है। माना जा रहा है कि संघ और केंद्रीय नेतृत्व के साथ कई दौरों की बैठक के बाद कैबिनेट विस्तार पर सहमति बन गई है। योगी के मंत्रिमंडल में जिस नाम को लगभग फाइनल माना जा रहा है वो है अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर आए हैं जतिन प्रसाद को योगी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जतिन प्रसाद यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा निषाद समाज से किसी नेता को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो चुनावी साल में किसी भी मंत्री को योगी मंडल से हटाया नहीं जाएगा। वहीं विपक्ष के बनाए गए मुद्दे ब्राह्मण समाज के साथ भेदभाव के आरोपों को भी बीजेपी नकारने के लिए ब्राह्मण समाज के किसी नेता को कैबिनेट में जगह दे सकती है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, जिसमें जबरदस्त जातिगत समीकरणों को साधते हुए पीएम मोदी ने विरोधियों को चौंका दिया था। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और संघ लगातार लखनऊ में बैठक कर रहे हैं और रणनीतियों पर चर्चा चल रही है। संघ लगातार यूपी में डेरा डाले हुए है। इसी सब को देखते हुए अब जल्द से जल्द योगी का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। यूपी में 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी चुनाव को देखते हुए किसी भी जाति वर्ग को नाराज नहीं चाहती है। यही वजह है कि मोदी कैबिनेट में भी यूपी के कई मंत्रियों को जगह मिली थी। अब योगी कैबिनेट में भी जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। योगी कैबिनेट में फिलहाल 23 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार और 22 राजस्व मंत्री हैं। यूपी सरकार के कुल 54 मंत्री हैं, 6 मंत्री पद खाली हैं। अगर मौजूदा मंत्रियों ने किसी को ना भी हटाया जाए तो 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस दौरान सरकार का ब्राह्मण और OBC के साथ ही दूसरी जातियों को साधने की भी कोशिश रहेगी। विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार सभी जातिगत समीकरणों को साधकर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश में है। योगी के मंत्रिमंडल विस्तार में चुनावी छाप भी देखने को मिल सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।